रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम के तहत। तो आज हम बी कॉम पार्ट टू के सिलेबस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तैयार करनी होती है, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं और कुछ जो है वो मिसिंग फिगर्स होते हैं जिन्हें हमने फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमें सीखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द रिहान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैसलाबाद। इन्वेंट्रीज आपको दी हुई हैं, एंडिंग है और बिगिनिंग है, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोसेस की और डायरेक्ट मटेरियल की। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इफेक्टिव रेट है और डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है। रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर। अब इसमें आपने परफॉर्मा नोट कर लेना है। परफॉर्मा नोट करने के बाद जो वैल्यूज गिवन है वो आप नोट करते जाए और उसके बाद जो वैल्यूज मिसिंग होंगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो डेटा जो है वो फिल करते हैं। फिनिश गुड्स एंडिंग है 95,000 और ओपनिंग है 110,000। तो ये फिनिश गुड्स हम जो एंडिंग है वो 95,000 है और जो बिगनिंग है वो 110,000 है। तो ये फिनिश गुड्स बिगनिंग और फिनिश गुड्स एंडिंग नोट हो गई। वर्क इन प्रोसेस 80,000 एंडिंग है और 70,000 बिगनिंग है। प्रोसेस की 80,000 जो है वो एंडिंग वैल्यू है और 70,000 जो है बिगिनिंग वैल्यू है। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 95,000 एंडिंग है और 90,000 जो है वो क्लोजिंग है। तो एंडिंग जो है वो 95,000 हो गई और जो बिगिनिंग है वो हमारे पास 90,000 आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमें गिवन है 6,84,000। Cost of goods available for sales है 6,84,000। Total manufacturing cost है 5,84,000। Total manufacturing cost है 5,84,000। ये हमने put करके 5,84,000। और आखिरी दो आइटम effective rent है 1,67,000 और direct material used है 1,93,000। फैक्ट्री रेंट है 1,67,000 और जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है 1,93,000। तो ये डेटा हमें जो गिवन था हमने अपने परफॉर्मेंस में जहाँ पे लिखना था वहाँ नोट कर लिया। आप जो वैल्यूज हमें मालूम नहीं है वो हम मालूम करेंगे। अब देखिए हमें परचेजेस नहीं थी तो हमें मटेरियल यूज्ड गिवन है, यहाँ से हम रिवर्स जाएंगे। इसमें रिवर्स मेथड या वर्किंग नोट आप अलग से बना सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि जब आप रिवर्स मेथड यूज करते हैं तो जो वैल्यू लेस हो रही है उसे आपने ऐड कर लेना है और जो वैल्यू ऐड हो रही है उसे आपने लेस कर लेना है। जैसे ये 1,93,000 है, ये 95,000 जो है वो आपका लेस हो रहा है तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। तो ये 5 + 3 = 8, 9 + 9 इसके साथ आप शो कर सकते हैं कि ये आपका बैलेंसिंग फिगर है जो आपने फाइंड आउट किया है। इसी तरह यहां से आप देखें ये हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5,84,000 गिवन, ये 1,60,000 ऐड हो रहे हैं। तो जब हम रिवर्स में जाएंगे तो हमने इसे लेस करना है। तो 14 में से 7 के 7, 7 में से 6 के 1 और 5 में से जो है 1 के, तो 4,17,000 ये हमारी प्राइम कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट है। इसी तरह ये ऐड हो रहे हैं तो ये अगेन लेस कर देंगे हम। तो ये 7 में से 3 के 4, 11 में से 9 के 2 और 3 में से 1 के 2, तो 2,24,000 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया और हमने अपनी डायरेक्ट लेबर जो है वो कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट आते हैं
ये तो आप सिंपल सीधा प्रोसेस है, इसको सम करना है आपने तो ये जमा कर देंगे तो 6,54,000 अवेलेबल फॉर अकाउंटेड फॉर आ गया हमारे पास। और ये आपने लेस करनी है 15 में से 8 के तो पीछे 7 तो 5,74,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट होगी। इसमें आप जमा करें तो ये 6,84,000 आखिर पर अब इसको आपने 6,84,000 में से 95,000 लेस करना है 14 में से 5 के तो 9 आ गए, 17 में से 9 गए तो 8 और ये 5,89,000 की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो यहाँ हमें डाटा कुछ गिवन था, कुछ डाटा हमारा मिसिंग था तो वो हमने मिसिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर ली। उम्मीद है कि आपको मिसिंग जो डाटा है वो फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए।